चल ना कुछ करते हैं, बस आ लकीर पड़ते हैं। दो बज के आठ मिनट ओके, कल जानो दिन 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 ना क्या गाना था ये, रात रात के दो बज रहे हैं, मैं अभी तक घर नहीं पहुंची। पागल हो गई हो क्या, दो बज दो बजने वाले हैं। जाया मत करो यार, कल रात से लेके अभी तक इतना सारा शूटिंग हुआ, पूरा व्लॉग बन गया है, लेकिन अभी डाल नहीं सकते व्लॉग, इसकी स्टोरी बाद में पता चलेगी। अब बाद क्या? में क्या, जब ये आएगा तभी तो पता भी चल जाएगा। हाँ, जब व्लॉग ये वाला आएगा तब ना। हाँ, ये तो आज का व्लॉग बन रहा है, मतलब अच्छा, ये अभी जो बोल रही है आज ही। हाँ, अब उस दिन अब एक महीने बाद जो व्लॉग। अच्छा तुम जरा बताना कल कौन सी सूंड वाली गाय तुम्हारे फोन में मार के। अरे वो सिंह को सूंड बोल दिए यार। किसको क्या बोले? सिंह को सूंड बोल दिए। क्या सिंह को सूंड व्लॉग डालने नहीं दे रहा है, दो बजे में क्या व्लॉग बनाया बताओ। तुम व्लॉग बनाओ कि आज मैं व्लॉग क्यों नहीं बना पाया। चुप रहो, आज का व्लॉग का तो भगवान भरोसे। जीजा जी ये याद रखेंगे आप, इतना मुश्किल से शूट करवाए। और दीदी ने मेरा स्क्रीन गार्ड तोड़ दिया। अब अभी तुरंत खरीद के आए थे क्या? नया खरीदे थे, ये भी तोड़ दी, चूड़ी मार दी। व्लॉग शूट होने के बाद एडिटिंग करने के टाइम बोलते हैं तुम व्लॉग आज नहीं डाल सकते, बड़ा गजब धोखा हुआ है यार। क्या पता ये भगवान। क्या आजकल ऐसा धोखा धोखा सब हो रहा है ना। अब मैंने जीजा जी को पूछा कि ऐसा क्यों किया आपने मेरे साथ, रात में अगर बता देते तो मैं कुछ अलग से ब्लॉग, दो दो ब्लॉग बना के रखता। अगर तुम्हें रात में बताता तुम काम नहीं करते, बताओ क्या जमाना आ गया है। बेचारा आदमी मासूम सा लड़का कहाँ कहाँ भटकेगा अभी। वो तो मुझे बस एक काम निपटाना है किसी तरह। टाइम भी देख लो 4:33 और यहाँ पे इतनी भीड़ होगी ना, इसका कुछ कहने का नहीं। ये लो शिवरात्रि कल है तो भीड़ तो होनी ही है बॉस। अरे भीड़ से कहीं निकल विकल के ये देखो, ये क्या था? तो भी नहीं ले लोग, तो भी वहीं के वहीं खड़े थे। कल तो शिवरात्रि है, परसों मुझे पुनासी डैम निकलना है, शायद परसों या तरसों कभी रात्रि के बाद ही जाना पड़ेगा, तो मुझे पता नहीं कि किधर से जाना होता है और गूगल मैप पे मैं भरोसा करता नहीं हूँ। ब्रांड फैक्ट्री जाना था, मुझे चर्च भेज दिया गया था, तब से गूगल मैप पे भरोसा नहीं है। इतने मेहनत से मैंने व्लॉग किया था, क्या यार स्टोरी भी बन गई थी। स्टोरी से याद आया, किसी ने मेरा शॉर्ट फिल्म देखा और मुझे ऑफर दे डाला है कि एक मेरे लिए बना दो, ऐसे मैं तुम्हें दे दूंगा। बोले भैया ऐसे ना होगी, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए। स्टोरी तो लिख सकता हूँ, डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, पर जो कैरेक्टर सब चाहिए, जो कास्ट चाहिए, वो कास्ट क्रू मेंबर ये सब कहाँ से आ रहा है, उसका प्रॉब्लम है। देखते हैं शूट करना है किसी तरह। पुनासी डैम का रास्ता किधर है पता नहीं है, पर वो पूछ लिया जाएगा। परसों निकलना है ना, परसों निकल लेंगे। अभी एक अच्छी न्यूज़ है, एक बुरी भी न्यूज़ है। अच्छी न्यूज़ ये है कि अगर अपने क्रेडिट कार्ड में 85,000 आ गया है लिमिट, तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से खरीद लेंगे मैकबुक, यहाँ पे मिल रहा है। जी हाँ, अब बुरी खबर ये है कि HDFC कार्ड में सारे ऑफर अब बंद हो चुके हैं। बताओ HDFC पे क्रेडिट कार्ड बनवा लिए तो क्रेडिट कार्ड से कोई फ़ायदा नहीं। कोटक महिंद्रा और ICICI बैंक से ऑफर है। कोटक महिंद्रा कैसा खेल खेल रही है नेचर मेरे साथ। शिवरात्रि का कोई प्रिपरेशन नहीं है अपना, शिवरात्रि में क्या। अरे किधर जाना चाहते हो? लो पहली बार जिंदगी में ऐसा हो रहा है कि 4:30 बजे दोपहर में मैं व्लॉग बनाने निकला हूँ। व्लॉग तो कुछ बना बाकी है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। वो तो अच्छा है कि लोगों को पैसा नहीं देना होता है व्लॉग देखने के लिए, तो बड़े जूते चप्पल मिलते मुझे। अच्छी बात यह है कि अपना एक व्लॉग पहले से बन चुका है, तो भगवान का शुक्र है कि अपने पास iCloud था जिसमें मैंने सारा डेटा ट्रांसफ़र कर दिया, थैंक्स टू आदित्य। अगर वो सजेस्ट नहीं करता तो कभी यूज़ नहीं कर पाता। ये देखो बच्चे सब एक्साइटेड है मुझे देख के। हाय बोलो, हाय हाय, कोई रिस्पॉन्स नहीं। इतने बड़े यूट्यूबर का बेइज्जती। एज लॉन्ग एज यू डू नॉट हैव 1 million सब्सक्राइबर्स नोबडी इज गोना गिव अ दैट्स रियलिटी। मैं बस इधर ही निकल लेता हूँ, यहीं पे बैठ के थोड़ा सा काम कर लेंगे। अभी मैं मूवीज़ वगैरह में इंटरेस्टेड रहता हूँ ना, तो पहले तो बहुत सारी मूवीज़ देखता था, तो मेरी फेवरेट मूवी है गाइड, और सच में वैसा मूवी बॉलीवुड में अब बनेगा भी नहीं। वैसे सॉन्ग्स, वैसे स्क्रीन प्ले, कभी अगर आपने गाइड नहीं देखे जाके देखना, क्योंकि मैं व्लॉगर हूँ, ऐसे शूट वगैरह इतना कुछ करता हूँ, तो फिल्म मेकिंग में भी बहुत इंटरेस्ट है, तो मज़ा आता है देखने में, सीखने को भी मिलता है कि कैसे बनाया गया होगा। बस
ये, अरे बाप रे बाप, इतना ज्यादा भीड़, इतना ज्यादा भीड़ हैंडल नहीं हो सकता है मुझसे। 5 मिनट के लिए आया था, उसके बाद मैं चला जाता। मुझे रूम भी अपना साफ करना है, रूम मेरा साफ एक भी सारा नहीं हुआ है। जैसा का तैसा कल से जो छोड़ा था वैसा ही है। रूम साफ करने वापस जाना था। फोटोग्राफी में भी कोर्स कर रहा हूँ तो सोचा था कुछ फोटोज ले लूंगा। अरे दादा, ओहो हो, नहीं नहीं आइसक्रीम नहीं, थैंक यू। इस शॉट के दौरान किसी को हानि नहीं पहुंची। इस शॉट के बाद अपनी बैटरी पूरी ड्रेन हो चुकी थी। पता नहीं था मुझे कि मैंने जो आधा ब्लॉग बनाया उसमें भी बैटरी गई थी, और उसके बाद वहां तक जाते जाते बैटरी पूरी साफ हो गई। ये दिन प्लीज मेरे याद रखना, और दर्शकों को प्लीज बता देना कि मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। रिस्पॉन्सिबल नहीं है इस चीज के लिए, हम लोग रिस्पॉन्सिबल है। ये बेचारा अपना बढ़िया से व्लॉग बनाया था, बट हम लोगों ने इसको अलाउ नहीं करा कुछ भी पोस्ट करने को, सो इट वॉज टोटली आवर फॉल्ट। सुननी है इसमें कुछ कुछ लोगों का है, इनोसेंट हूँ जज साहब मैं, जो अभी अपने क्या होता है, मैं मायूस हूँ, मैं मनहूस हूँ। मनहूस तो तुम हो। उनको दिखा, उनको जिनका प्रॉब्लम है वो। नहीं, वो हम उनको भी नहीं दिखा सकते हैं। क्या होता है, मैं बेकसूर हूँ। बेकसूर को मनहूस बोल रही थी। तुम हो, बहुत लकी हूँ अपने हस्बैंड के लिए, अपने फादर के लिए, तुम्हारे लिए पता नहीं। और तुम भी जब कुछ नया लेते हो तो मेरे ही पास लेके आते हो। बस एंड करते हैं व्लॉग, कोई टाइम नहीं अपने पास। सॉरी गाइस बाय बोल दो। अपने मूड खराब है दर्शक लोगों का, अपना चेहरा होता वैसा ना बनाया करो। बाय बाय।